हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें जिस भी विंडो का बूटेबल बनाना है उसका इमेज चाहिए। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उस पर लिखना है गेट इंटू पीसी। लिखने के बाद जो पहला लिंक आएगा उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में इधर साइड में लिखना है जिस भी विंडो की हमें इमेज चाहिए। तो हम लिख देते हैं विंडो 7 की चाहिए, तो हम लिख देते हैं विंडो 7 इमेज। लिखने के बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास दो इमेज खुल के आएंगे, एक होता है 64 बिट, एक होता है 32 बिट। तो हमें 64 बिट भी डाउनलोड करना है, तो हम 64 बिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको नीचे स्क्रोल करेंगे। स्क्रोल करने के बाद हमको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करनी है। देखिए अब हमारा ये डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी देर में हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। देखो तो हमारा इमेज डाउनलोड होने लगा। इमेज डाउनलोड होने के बाद हमें अपना एक पेन ड्राइव को लगाना है हमारे पीसी में। लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, किसी में भी लगा सकते हैं। तो हम पेन ड्राइव को लगा दिए। लगाने के बाद एक ऐप आता है पावर आईओसी करके, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको कट कर देना है और हमको जाना है टूल्स वाले ऑप्शन में। टूल्स में जाने के बाद इसे नीचे देखिए हमको एक ऑप्शन मिलेगा USB बूटेबल का, इस पर जाके ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से हमें यस कर देना है। यस करने के बाद हमको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ऊपर से हमें जहां हमारा इमेज रखे हैं वहां से इमेज की लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारा ये रहा, तो इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पे हमारा दिखा देगा कितने पेन ड्राइव इसमें लगे हुए हैं। तो हमारा एक लगा हुआ है, तो एक ही दिखाएगा। दिखाने के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि इसमें जितना डाटा रहेगा सारा इरेज हो जाएगा, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा इसमें नहीं रखना है। करने के बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। थोड़ी देर में हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। बस हमारा प्रोसेस पूरा ही होने वाला है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। दिखाता हूँ मैं तुम्हें लोगों को कि हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं। कि हमारा प्रोसेस पूरा हो गया, हमको ओके कर देंगे और इसे वो क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे। मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। तो इसको क्लोज कर देंगे, फिर इसको कट करें और उसके बाद से हमको दिस पीसी में चले जाना है। और जाने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। अब इससे हम अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किसी भी सिस्टम में OS कैसे डालते हैं। तब तक के लिए बाय।